नमस्कार। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दिल्ली न्यायिक सेवा में चुनी गई अभिलाषा सिंह से। अभिलाषा फरीदाबाद में पली बढ़ी हैं और शैक्षणिक उत्कृष्टता की एक अद्भुत मिसाल हैं। अभिलाषा ने इस परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की है। अभिलाषा के पिता जितेंद्र सिंह फरीदाबाद में ही आबकारी एवं करादान अधिकारी हैं तो माँ डॉक्टर कमल सिंह गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल ऊंचागांव में प्रिंसिपल हैं। अभिलाषा के बड़े भाई भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। आइए देखते हैं अभिलाषा के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। अभिलाषा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई और कैसे आपके दिमाग में ये विचार आया कि आपको न्यायिक सेवा में जाना है? जी, मेरी स्कूलिंग फरीदाबाद से ही है। मैंने 10th तक APJ स्कूल सेक्टर 15 से पढ़ा था, उसके बाद मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17, वहाँ से मैंने अपनी 11th एंड 12th कंप्लीट की। उसके बाद आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद 2013 में मैंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से अपनी लॉ कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से अपनी LLM करी, विच इज़ मास्टर्स इन लॉ। ओके, और इसके बाद कुछ और आगे की पढ़ाई? इसके बाद आई गेव नेट GRF एंड आई क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन 2018। उसके बाद से आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, उसके बाद से सर जुडिशरी का प्रिपेयर किया और 2 महीने मानव रचना में पढ़ाया एज अ विजिटिंग फैकल्टी। अच्छा, तो फरीदाबाद से बहुत सारा जुड़ाव रहा है। अभिलाषा, इसके लिए कोई कोचिंग आपने ली, कोई खास तैयारी की इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए? जी सर, एक बहुत फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, राहुल IAS, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। मैं 1 महीना गई, उसके बाद मैं अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी, बट दे हैव रियली हेल्प मी टिल दी एंड। मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया गया, जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट, वो सब उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। बट इसका श्रेय उनसे ज़्यादा आई वुड लाइक टू गिव टू माई मेंटर सताक्षी, शी इज़ अ जज इन हरियाणा राइट नाउ। सो वो यहीं रहती हैं, वो भी फरीदाबाद की रहने वाली है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, वो राहुल सर की ही स्टूडेंट थी, तो उनके नोट्स से पढ़ पढ़ के मैंने अपनी तैयारी करी। ओके, या तो अभी इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? A lot of people actually, starting from my parents. बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। But the major people, parents of course, where I am today, it's because of them. My grandfather, he was the main motivation because वो एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एज अ स्पेशल जुडिशियल मिनिस्टर। क्या शुभ नाम उनका? श्री राधा कृष्ण लोहरा। तो उन्होंने आफ्टर सिविल सर्विसेज 10 साल एज अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर रिटायरमेंट हिसार में काम किया। उन्हें देखकर मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे एक जज बनना चाहिए बिकॉज लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उन्हीं का ये आइडिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से ज़्यादा आप जुडिशियरी के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हो। सो दैट मोटिवेटेड मी। श्रेय की बात, एक मेरे दादाजी, मेरे पेरेंट्स, माई जस्ट लाइक माई सिस्टर, माई मेंटर आई टोल्ड यू सताक्षी दी, माई ब्रदर ही इज़ अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस राइट नाउ, एंड माई अंकल ही स्टेज नियरबाई, ही इज ऑफ माई ग्रैंड फादर्स एज, ही वॉज अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट। सो ऑल ऑफ देम, या तो सबका लगातार सहयोग मिला। ऑफकोर्स एंड इवन माई फ्रेंड्स, येस दे हैव बीन अ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रिपरेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन यू, यू हैव अप्स एंड डाउन, सो जब आपके डाउनफॉल्स होते हैं यू नीड सपोर्ट, अदरवाइज आप ऊपर नहीं उठ पाते। तो थैंकफुली मुझे हर तरफ से बहुत सपोर्ट और कॉर्डियल एटमोसफियर मिला, जिस वजह से मेरा हार्डवर्क पे ऑफ किया इन द एंड। बहुत बढ़िया जी। अभिलाषा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचारों में बढ़ावा हुआ है जी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक तबका लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, या आप कह लें उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ कर समाज के सामने आ रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें एक जज के रूप में, आप कैसे कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ अंकुश लगे? सर, जहाँ तक वुमेन इश्यूज़ की बात है, यहाँ पे आई एम अ वुमन बट स्टिल आपको न्यूट्रल होके केस को देखना पड़ेगा बिकॉज एज अ जज हमें सिखाया जाएगा कि हमें इम्पार्शियल होना है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे नेगेटिव केसेस भी हैं तो पॉजिटिव केसेस भी हैं, तो बहुत फॉल्स केसेस के भी केसेस आ रहे हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा सा एज अ जज टू बी कॉशियस जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल्स रेप्स, फॉल्स डॉरी केसेस, फॉल्स हरासमेंट केसेस, सो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर एकदम फेमिनिस्ट बन के जॉब नहीं कर सकते। सो आई ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, बट इसका सोल्यूशन आई थिंक जुडिशरी से ज़्यादा एजुकेशन में, हमारा सारा फोकस लिटरेसी पे है। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा पढ़ जा रहे हैं वही फॉल्स केसेस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर, इसका रीज़न मुझे लगता है कि हमारा फोकस प्राइमरी एजुकेशन में लिटरेसी की तरफ है, एजुकेशन पे नहीं है। हमारे यहाँ मॉरल एजुकेशन की कमी है, हम उस पर फोकस करें तो शायद केसेस ही ना हो।
अभिलाषा हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बिटिया अभिलाषा का सिलेक्शन दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सौरभ जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाई के लिए, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि बच्ची ने जो है ना बहुत मेहनत की थी, काफ़ी समय से जो है ना वो लगी हुई थी, उसने सभी फंक्शंस वगैरह, सभी पार्टीज़ वगैरह कहीं भी हमारे साथ जाना बंद कर रखा था पिछले एक साल से, तो नेचुरली वो जो है ना इतनी उसने मेहनत की, बाकी भगवान की कृपा है जो है ना, जो उसने मेहनत की उसका फल उसको मिला। हम तो यही दुआ करते हैं, सभी पेरेंट्स करते हैं बच्चों के लिए, वे कामयाब हों आगे जीवन में, आगे बढ़ें, तो हम तो उसके सुखद भविष्य की। क्या आपने इसके लिए कोई और लक्ष्य सोचा था, या यही लक्ष्य था जिस पर ये लगातार बढ़ती गई, कुछ ऐसा था जो आपने एक पिता के रूप में इसके भविष्य के लिए सोचा था ये वो बन जाए, या बचपन में ही सोचा कि ये न्यायिक सेवा में जाए? शुरू से ही सौरभ जी जो हमारी इच्छा थी वो यही थी कि ये न्यायिक सेवा में जाए, क्योंकि जैसा कि उसने भी बताया अभिलाषा ने, मेरे फादर सिविल सर्विसेज से रिटायरमेंट के बाद स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे, तो उनने तुलनात्मक अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो है ना जो सेवा समाज की ज़्यादा की जा सकती है वो न्यायिक क्षेत्र में ज़्यादा की जा सकती है, और बीइंग ए लेडी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी इस सेवा में, लोगों की सेवा ज़्यादा कर पाएगी, लोगों को न्याय दे पाएगी, तो इसलिए जो है ना मेरी शुरू से इच्छा यही थी कि भाई जो है ना इस दिशा में ही आगे ये प्रयास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कबल, आप एक टीचर हैं और एक अभिभावक भी हैं, सफल अभिभावक मैं कहूँ, दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आगे बढ़े हैं जीवन में, क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की पेरेंटिंग पर ध्यान दें, उनको कैसे अपने बच्चों को संभालें ताकि वो लोग अपने लक्ष्य को पा सकें? इसमें सबसे बड़ी बात यह है सौरभ जी कि बच्चे अपने आप में, आजकल बच्चे बहुत मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट जमाना है, बच्चों को राइट डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत होती है, कर तो वो अपने आप लेते हैं, बस जहाँ हम अभिभावक के रूप में काम करते हैं वो मॉरली जब कभी डाउन फील करते हैं उस वक्त उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा मौका कई बार मेरे साथ भी आया, अभिलाषा ने कई बार गिव अप करने की सोची कि मम्मा अब मुझसे नहीं होगा, बहुत हो गया, मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, बट फिर उसको मोटिवेशन दी गई कि बेटा नहीं, अभी तो बहुत बड़ा आसमान आगे बाकी है, फिर वो फिर सिर लगी कि भी हाँ मम्मा आप ठीक कह रहे हो। तो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि बच्चे को उस टाइम पे जरूर संभालना चाहिए, उसका साथ जरूर देना चाहिए, वो बेशक गलत भी है पर साथ जरूर देना चाहिए कि हाँ उस टाइम आपके साथ हम खड़े हैं, तो कभी भी उसको ऐसा महसूस नहीं होगा मैं अकेली हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।